देखिए, इसमें जो ये डेथ्स हैं अब तक प्रदेश के अंदर जो कोविड से हुई हैं वो 2516 डेथ्स रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, और जो ये स्टेट लेवल कोविड क्लिनिकल टीम है वो डेथ ऑडिट रेगुलरली कैरी आउट कर रही है, और उनका उनसे जो फीडबैक प्राप्त हो रहा है वो ये है कि जो मैक्सिमम लोग हैं, 60 से 70% जो लोग हैं वो विदिन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन उनकी डेथ हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ये हमारे जो लोग हैं, यदि उनको कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, टेस्टिंग के लिए नहीं आगे आ रहे हैं, जिस वजह से जो डायग्नोसिस में देरी हो रही है, और तब तक शरीर के अंदर जो डैमेज जो इस वायरस की वजह से होता है वो काफ़ी हो चुका होता है, और वो सिचुएशन जो साल्वेज करने वाली होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रमुख कारण सामने आया है। तो उसके ऊपर लगातार जो आईसी की हम माध्यम से कि जो अपने अगर यदि किसी को कुछ कम लक्षण भी हैं तो वो उनको लक्षण को हल्के में ना लें और तुरंत अपना टेस्ट करवाएं, जिससे इसकी जल्दी पहचान हो सके और जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू किया जा सके। दूसरी जो चीज़, एक ट्रेंड जो नज़र आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, जो हमारा पहले मीन एज था जिन लोगों की मौत हो रही थी वो लगभग 64 से 65 वर्ष के थे, परंतु पिछले 4 हफ्तों में ये जो ये मीन एज है ये कम होके 59-60 के आसपास हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो हमारा जो द्वितीय चरण था वैक्सीनेशन का, जिसमें ये 60+ के लोग जो शामिल थे, उनकी बाय एंड लार्ज उनकी वैक्सीनेशन होने की वजह से जो ये मृत्यु का जो इफेक्ट है ये कम लोगों के अंदर, अब जो कम उम्र वाले लोग हैं उनके अंदर अब ये देखा जा रहा है। और जैसे ही अब ये हमारा 45+ का जो कार्यक्रम था ये भी अपना बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आगामी कुछ दिनों में जैसे हमारा 18 से 44 का भी जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, वैक्सीन की जैसे अवेलेबिलिटी हमें सीरम इंस्टीट्यूट से होती है, तो वैसे ही अपना जो ये जो मृत्यु का जो दर है ये लॉन्ग टर्म में अपना इसको हम कम कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर जो ये जैसे जो ये कोविड जो जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, इनकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है, इनके अंदर जो ये दवाइयाँ दी जा रही हैं या जो अपना थेरेपीज दी जा रही हैं, इनके ऊपर निरंतर जो स्टेट लेवल जो कोविड क्लिनिकल टीम है वो इनके ऊपर ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, ताकि जो एक उपचार का एक जो जो बेस्ट तरीके से किया जा सके कोविड पेशेंट्स का, उनके ऊपर अपना कार्य किया जा रहा है।